Hello, friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 16, Playing with Numbers from NCERT of class 8, exercise 16.1, question number 4.

इनकी वैल्यू फाइंड करनी है ए यहां पे दो बार रिपीट हो रहा है यहां और यहां ए की जो वैल्यू यहां होगी वही सेम यहां होगी ए की वैल्यू दोनों जगह बिल्कुल सेम रहेगी ओके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इज ए बी प्लस थ्री सेवन इज सिक्स ए टेंस एडिशन कॉलम से स्टार्ट करते हैं कॉलम बी प्लस सेवन इज इक्वल एक वैल्यू हमें गिवन है B और A, ये दोनों अननोन वैल्यूज हैं दो अननोन वैल्यूज को हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं अगर बी या ए इन दोनों में से हमें किसी एक लेटर की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरे लेटर की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं लेकिन दो अनोन वैल्यूज को एक साथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है इस तरह से वंस कॉलम तो सॉल्व नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमें टेंस कॉलम पे मूव करना ही होगा टेंस कॉलम इज ए प्लस थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स ए प्लस थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस साइड ए के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफर करते टाइम नंबर का साइन भी चेंज होता है नाउ ए इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस थ्री विच इज ए इज इक्वल्स टू थ्री इस तरह से ए की वैल्यू मिल गई हमें थ्री सो ए इज इक्वल्स टू थ्री और ए की जो वैल्यू यहाँ होगी वही सेम यहाँ भी होगी ए इज इक्वल्स टू थ्री अब वंस कॉलम को दोबारा रीड करेंगे वंस कॉलम इज बी प्लस सेवन इज ए और ए की वैल्यू क्या है थ्री सो बी प्लस सेवन इज थ्री बी प्लस सेवन इज इक्वल टू थ्री अब यहाँ बी के प्लेस पे हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको सेवन के साथ ऐड करने पे आंसर थ्री मिल जाए लेकिन सेवन ऑलरेडी थ्री से बड़ा नंबर है सेवन में हम कुछ भी ऐड करेंगे ये और बड़ा नंबर बन जाएगा इसलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सेवन में कुछ भी ऐड करें और आंसर थ्री मिल जाए तो यहाँ थ्री नहीं हो सकता यहाँ क्या हो सकता है बी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू थर्टीन यहाँ थर्टीन कैसे आया ये कंसेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू में सीख लिया है Now, B की वैल्यू फाइंड करनी है इस साइड बी के साथ जो भी कॉन्स्टेंट नंबर होगा उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफर करते टाइम नंबर का साइन भी चेंज होगा सो बी इज इक्वल्स टू थर्टीन माइनस सेवन नाउ बी इज इक्वल्स टू थर्टीन में से सेवन माइनस करेंगे सिक्स बचेगा बी इज इक्वल टू सिक्स इस तरह से बी की वैल्यू हमें मिली सिक्स अब चेक करेंगे कि ए और बी की जो वैल्यूज हमें मिली हैं ये करेक्ट है या नहीं उसके लिए ए और बी की वैल्यू को हम इस पजल में पुट करेंगे थ्री सिक्स प्लस थ्री सेवन इज इक्वल्स टू सिक्स थ्री ए की जगह थ्री और बी की जगह सिक्स पुट किया है इस क्वेश्चन को ऐड करके चेक करेंगे सिक्स प्लस सेवन थर्टीन थर्टीन का थ्री यहाँ वन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे टेंस कॉलम में थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन इस तरह से तो आंसर हमें सेवनटी थ्री मिल रहा है लेकिन आंसर क्या होना चाहिए सिक्सटी थ्री अब हमारा आंसर तो इससे मैच नहीं हो रहा है दैट मीन्स हमने ए और बी की जो वैल्यू फाइंड करी है ये गलत हैं और ये मिस्टेक कहाँ से शुरू हुई है मिस्टेक शुरू हुई है यहाँ से ए इज इक्वल्स टू थ्री से अब ए की वैल्यू थ्री तो नहीं हो सकती या तो यहाँ पे कोई थ्री से बड़ा नंबर होगा या छोटा नंबर होगा बड़े नंबर से चेक करते हैं लेट सपोज यहाँ पे फोर होता है फोर प्लस थ्री सेवन ये भी सिक्स से बड़ा नंबर है इसी तरह से हम कोई भी बड़ा नंबर लेंगे आंसर में हमें सिक्स से बड़ा ही नंबर मिलेगा तो कोई भी बड़ा नंबर भी यहाँ पॉसिबल नहीं है इसलिए हमें थ्री से छोटा ही नंबर लेना होगा लेट्स ट्राई विद टू टू प्लस थ्री फाइव और फाइव में हम ये कैरी वाला वन भी ऐड करेंगे फाइव प्लस वन इज इक्वल्स टू सिक्स इस तरह से यहां पर हमें सिक्स मिल जाएगा सो so, ए की वैल्यू थ्री नहीं हो सकती ए की वैल्यू क्या हो सकती है टू ए इज इक्वल्स टू टू अब यहां से हमें ए की वैल्यू थ्री रिमूव करनी होगी क्योंकि ए की वैल्यू टू हो सकती है ए इज इक्वल्स टू टू अब इस इक्वेशन में भी हम ए की वैल्यू टू पुट करेंगे b प्लस सेवन इज इक्वल टू टू सेवन में कुछ भी ऐड करेंगे टू तो नहीं हो सकता सो इट विल बी b प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेल्व बी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस सेवन ना b इज इक्वल्स टू ट्वेल्व में से सेवन माइनस करेंगे फाइव बचेगा b इज इक्वल्स टू फाइव सो अगर a की वैल्यू टू है तो b की वैल्यू फाइव होगी अब a और b की वैल्यू फिर से चेक करेंगे ए के प्लेस पे टू और बी के प्लेस पे फाइव पुट करेंगे टू फाइव प्लस थ्री सेवन इज इक्वल्स टू सिक्स टू एड करके चेक करेंगे फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व ट्वेल्व का टू यहाँ वन कैरी करेंगे टेंस कॉलम में टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस वन सिक्स आंसर विल बी सिक्सटी टू और हमारा ये आंसर एग्जैक्टली क्वेश्चन के आंसर से मैच हो रहा है